हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और आज हमारे साथ जो हैं उनका नाम है डॉक्टर भाविका बंसल। ऑल इंडिया रैंक 10 है इनका नीट MDS में। तो कुछ बातें करेंगे इनसे आज, अच्छी अच्छी तो तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक वो ज्वाइन कर रही हैं हमें। ठीक है, वेरी सून वो ज्वाइन कर लेंगी। बस अभी ज्वाइन हो जाएंगे वो। हेलो सर, हाउ आर हेलो। यू? या आई एम फाइन। सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भाविका बंसल, ऑल इंडिया रैंक 10। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मैम। थैंक यू ओके, तो स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन से। कुछ सो बताइए मच। अपने बारे में। हाय एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर भाविका। आई ग्रेजुएटेड, आई बेसिकली डिड माई BDS फ्रॉम डॉक्टर हरवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, एंड दैट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। आई कम्प्लीटेड माई इंटर्नशिप इन नवम्बर, अक्टूबर एंड नवम्बर, एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट एवर सिंस इंटर्नशिप, एंड स्टडीड ऑलमोस्ट गेव इट एवरी थिंग इन लाइक 3 to 4 months मेजरली। ओके, टेल मी वन थिंग। हर कोई ये पूछता है कि आपका सक्सेस था, तो आपका क्या क्या एडवांटेज थे, क्या क्या आपने अच्छी चीजें की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बच्चों को नहीं करना चाहिए, इफ दे वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड, तो क्या नहीं करना चाहिए। आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी इशू है, वापस से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इनको। यही है कि मतलब अपने रूटीन को ना एक लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो रूटीन की पावर होती है ना, वो बहुत मतलब लोग ना बहुत लाइटली ले लेते हैं कि रूटीन ही तो है। आई मीन इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड, बट रूटीन से अगर चलोगे ना तो फिर नथिंग इज डिफिकल्ट, आई फील ओके, फॉर श्योर। रूटीन आई थिंक लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं इस चीज को। ओके। कोचिंग कितना इंपॉर्टेंट है, सर या इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैं नहीं? ये नहीं बोलूंगी कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, बट टू सम एक्सटेंट इम्पोर्टेंट है। गाइडेंस मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है कि ऐसे पढ़ना है, ये करना है, ये नहीं करना, बट उसके आगे इट इज ऑल अबाउट यू। उसके आगे कोई कोचिंग, नो मैटर यू गो टू एनी कोचिंग, उसके आगे कोई कोचिंग हेल्प नहीं कर सकती। कोचिंग एक पॉइंट तक तुम्हें ला सकती है, उसके आगे यू आर ऑन योर ओन। वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट थ्योरी पढ़ना चाहिए या फिर डेंटल प्लस डाइट सॉल्व करनी चाहिए? क्योंकि सारे बच्चे पास किए हैं BDS, देन दे कम इन द इंटर्नशिप। वॉट दे स्टार्ट विथ थ्योरिटिकल पार्ट और डायरेक्ट आई MCQ? फील मुझे जहां तक ये चीज लगती है कि बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने एक टॉपिक थ्योरी करी है तो उसके क्वेश्चंस भी करो। नेवर से कि हम डायरेक्टली क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम रेगुलर थ्योरी पेपर्स जब हम देते हैं अपने, हम उसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। बट जब तुम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट इज वेन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम एन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। ओके, कुछ एक रूल आपका जो आप बताना चाहेंगे, आपने किस पे फोकस किया था, व्हाट सो एग्जैक्टली यू आर डूइंग मेरा तो कंपेयरिंग दिस पर्सनली जर्नी? यही था दैट विद माय इंटर्नशिप आई वाज वेरी श्योर कि मेरे को रूल ऑफ 4 फॉलो करना है, दैट आई रियली वांट टू जस्ट लाइक फोकस ऑन द फैक्ट दैट 4 घंटे दिन के दो, पर चाहे एक एक घंटा करके दो, चाहे 2 घंटा 2 घंटा करके दो, पर 2 4 घंटे इंटर्नशिप के साथ मिनिमम दो। दैट वाज वन रूल एंड रूटीन। मतलब वही मैंने जैसे पहले बोला कि रूटीन की पावर कभी डिस्काउंट मत करो। योर रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर श्योर। रूल ऑफ फोर कैसे, आई कैनॉट रूल अंडरस्टैंड। ऑफ मतलब फोर, 4 घंटे पढ़ने, दिस चार इज कॉल्ड रूल ऑफ घंटे फोर? 4 टॉपिक्स फ्रॉम दैट सब्जेक्ट मिनिमम,
एंड उन चार के पल्स सॉल्व ओके करना, तभी मैं इसको रूल ऑफ फोर बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हम लोग नहीं समझते, लेकिन फोर टॉपिक्स तुम इजिली कर सकते हो जब तुम एमसीक्यू चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. इफ यू आर डूइंग इट फॉर अ थ्योरी पेपर, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, बट फॉर एमसीक्यूज फोर टॉपिक्स यू कैन इजिली डू. ओके मतलब आपका है रूल ऑफ फोर का मतलब ये यहाँ पे कि आपको चार टॉपिक करने बिल्कुल. हैं और 4 घंटे स्टडी करनी है. दिस इज विथ इंटर्नशिप. और जिनका इंटर्नशिप नहीं है, जो सो ड्रॉप ईयर ले ड्रॉप रहे हैं, उनके ईयर, लिए अगर मैं अपना लास्ट 4 महीने का बताऊं, जब मैं काइंड ऑफ ड्रॉप ही कह सकते हो आप, क्योंकि वो ड्रॉप रूटीन ही हो जाता है, देन आई यूज टू गिव इट मिनिमम 10 आवर्स, जिसमें से कि भी मेरा ये होता था कि 8 आवर्स रिविजन एंड 2 आवर्स जो भी मुझे नया अच्छा इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट करनी है. लाइक जैसे जो टॉपिक्स मैंने पहले नहीं किए, मैं सिर्फ उनको 2 घंटे देती थी, मैं बाकी अपना मेजर टाइम रिविजन में लगाती थी विद फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस फॉर श्योर. ओके ओके सो व्हिच ब्रांच यू वांट ऑर्थो, नाउ? आई विल बी गोइंग फॉर ऑर्थोडॉन्टिक्स फॉर श्योर. सो ऑर्थो. व्हाई ऑर्थो? सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है शुरू से, मतलब जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मजा आता है, आई लाइक नोइंग मोर. मतलब आई एम वेरी, जब भी मेरी ऑर्थो में पोस्टिंग आती थी, हमारी 15 15 डेज की पोस्टिंग जब भी आई है, आई हैव ऑलवेज रियली इंजॉयड ऑर्थो, आई हैव रियली लाइक्ड वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट, एंड मैं खुद इंटरेस्ट से बहुत काम करती थी, सो दैट इज माई चॉइस ऑफ ब्रांच जिसमें शुरू से इंटरेस्ट रहा है. ओके कितना टाइम चाहिए होता है, मतलब अगर कोई बच्चा थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? मतलब कब से उनको स्टार्ट करना? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है. एज अ जूनियर आपसे बहुत लोग पूछे होंगे अभी तक कि मैं आपने स्टार्ट कब से किया था, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे थे क्या? कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं. मुझसे 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 पर्सनली पूछा गया था, मेरे जूनियर मुझसे पूछा था कि आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते पढ़ना. मैंने कहा फर्स्ट ईयर तो छोड़ो, मैं तो फाइनल ईयर तक नहीं पढ़ रहा था, सर इंटर्नशिप में मैंने स्टार्ट किया था. खुद ने इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था. आई स्टार्टेड रफली फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ इंटर्नशिप, और वो शुरू शुरू में तो माहौल भी नहीं बनता पढ़ने का, बिकॉज तुम नए नए इंटर्नशिप में आए होते हो, यू वांट, और वो हर, आई थिंक एवरीबडी हैज दैट साइकी कि यू वांट टू एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, फाइनली मतलब वो फाइनल ईयर का स्ट्रेस खत्म हो जाता है. बट हाँ, मैंने आई स्टार्टेड फ्रॉम इंटर्नशिप फॉर श्योर, और मुझे लगता है कि एज पर माई एक्सपीरियंस आई फील कि 1 ईयर इज सफिशियंट, अनलेस कि यू आर नॉट गिविंग इट एवरी थिंग इन दैट 1 ईयर. मतलब अगर तुम जुडिशियसली उस 1 साल को यूज करोगे, इट इज मोर देन सफिशियंट. ओके तो अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर से स्टार्ट करना चाहता है बहुत तो वो सेफ बिल्कुल सेफ जोन जोन में है में फिर. है तुम्हारे पास, 1 साल एक्स्ट्रा है इनफैक्ट फाइनल ईयर का भी और इंटर्नशिप का भी. बट आई फील कि फाइनल ईयर में इतना स्ट्रेस रहता है ऑलरेडी कि तुम व्हाई डू यू वांट टू हैव एन एडेड दिस थिंग. ओके एक क्वेश्चन है, ठीक है, व्यूअर्स का ही क्वेश्चन है राइट नाउ, जस्ट आई गॉट इट. क्वेश्चन है कि मैम हम डेंटल पेपर सॉल्व करते हैं तो एग्जाम की बात कर रही है बच्चा, तो उसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों पार्ट होती है. पार्ट ए इज कंप्लीटली फॉर द मेडिकल सेक्शन, पार्ट बी इज फॉर द डेंटल सेक्शन. व्हाट यू सजेस्ट, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट? आई फील स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, गो टिल क्वेश्चन नंबर 240, डोंट जंप, जिस सीक्वेंस में पेपर दिया है उसी सीक्वेंस में करो, डोंट हाफ हैजर्डली मत करो कि पहले बीच में से स्टार्ट कर लिया, कहीं बीच में से छोड़ दिया, डोंट डू दैट, डू इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 240. एंड तभी आई फील कि टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स बहुत काम आते हैं आजकल, तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आई थिंक एवरीबडी मतलब बहुत सारी कॉमनली बुक्स में भी दिए होते हैं पास्ट पेपर्स, सॉल्व देम जिस सीक्वेंस में वो दिए हुए हैं, ना जंप करो, ना आगे ना पीछे, फॉलो इट इन इट्स सीक्वेंस. ओके मैम, हाउ टू कंट्रोल निगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग तो सर आई फील कि जस्ट जो तुम्हें फर्स्ट 90 उसमें फील हुआ है, फर्स्ट 90% वही आंसर है, गो फॉर दैट, डोंट ओवर थिंक. एंड द क्वेश्चन दैट यू आर 100% डाइसी अबाउट कि ये तो हाँ ये भी हो सकता है, पर ये भी लग रहा है,
डोंट डू इट. दोज 10 क्वेश्चंस एट द एंड वो किसी के लिए -40 रहेगा, तुम्हारे लिए -50 हो जाएगा. तो मत करो. उससे अच्छा जिन क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल ही अनश्योर हो, डोंट डू देम. क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि उनके मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे होते क्योंकि उनका निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो रहा होता है। मैंने देखे हैं बहुत सारे स्कोर कार्ड सब लोग निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा उन्होंने किया है। उन्होंने अगर 120 क्वेश्चन सही किए हैं तो 120 एग्जैक्ट गलत किए हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं। सर आई फील कि वही चीज होती है कि डोंट डू देम जस्ट बिकॉज कि तुम्हें अपने नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन ज्यादा करने हैं. कभी कभी क्या होता है कि तुमने 60 क्वेश्चन का मार्क तुम हिट कर लेते हो पेपर में. स्पेशली जैसे इस साल था कि मेडिकल पार्ट वॉज अ लिटिल रिलेटिवली डिफिकल्ट. सो डोंट डू दैट, डोंट ओवर डू द पेपर. आई फील कि जस्ट जहां पे लग रहा है कि ये 90% है कि आई डोंट नो इट, आई एम गेटिंग रियली कंफ्यूज या टॉपिक नहीं पढ़ा है, जस्ट डोंट. मतलब नीट इज नॉट तुक्केबाजी का पेपर. आई फील कि वो चीज मत करो. ओके, वन मोर क्वेश्चन है कि मैम अगर कोई सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है मुझे, ठीक है, तो क्या उस सब्जेक्ट पे हम बहुत कम केयर कर उल्टा उस सकते हैं सब क्या, सो या फिर उल्टा उससे भी इफेक्ट उस करेगा? सब्जेक्ट को ज्यादा रिवाइज करो. जो सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हो, अगर उसको 2 बार कर लिया है, वो तुम 90% पेपर में कर लोगे. जो चीज नहीं कर पा रहे हो, जिसमें ना टेस्ट में इतना स्कोर किया है ना वो चीज हो पा रही है, पेपर के पास पेपर के क्वेश्चंस नहीं क्लिक कर रहे हैं, उल्टा उस चीज को ज्यादा वो चीज करो, दोबारा दोबारा करो फॉर श्योर. ये क्वेश्चन तो अनरिलेवेंट क्वेश्चन पर ठीक है, उन्होंने पूछा है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैम जो आपका ओरिजिनल रैंक 10 आया तो कैसा फील कर रहे थे आप? आई डोंट नो क्वेश्चन का क्या सर कैसा तो मतलब क्या ही फील कर रहे होते हो. आई फील थोड़ा रिलीव्ड फील कर रहे होते हो. आई मीन वो हर इंसान जो मतलब नीट की प्रेपरेशन इमोशनली मेंटली फिजिकली तीनों तरीके से बहुत ड्रेनिंग होती है, तो जब तुम्हारा हो जाता है यू फील लाइटर सो टू से फॉर श्योर. ये क्वेश्चन मेरे साइड से, मतलब मैंने रेडी किया था। क्वेश्चन है कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, स्टार्ट किया था आपने, तो डिफिकल्टीज क्या क्या आई थी? हर सर डिफिकल्टीज स्टूडेंट डिफिकल्टीज क्या क्या आई थी? मुझे बीच में ऑडियो लैग था. सर डिफिकल्टीज आई फील एक तो यही आती है कि थोड़ा सा रूटीन बनाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आना कि हाँ इतने घंटे देने हैं, थोड़ा सा पढ़ाई की अप्रोच को चेंज करना. बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने एमसीक्यू बेस्ड पेपर की तैयारी की होती है वो नीट यूजी में की होती है, उसके बाद 5 साल के बाद जब तुमने सिर्फ थ्योरी एग्जाम्स दिए हैं, प्रैक्टिकल की शीट्स भरी हैं, जो तुम आके तुम्हें प्रैक्टिस वापस से उस जोन में आना मेंटली, वो बहुत डिफिकल्ट होता है फील. ओके, और कोई डिफिकल्टी जो आपको लगता है स्टूडेंट को सर आती है अक्सर आपकी ना हम क्लास? लोग बहुत ज्यादा वी गेट कंफ्यूज कि अरे डेंटल पल्स भी कर लेते हैं, वाधवान भी कर लेते हैं, डेंटिस्ट भी कर लेते हैं, चार चीजें करने जाओगे ना आई फील तुम कंफ्यूज हो जाओगे और गुम जाओगे. इससे अच्छा एक रिसोर्स पकड़ो एंड उस चीज को रिपीटेडली फॉलो करो फॉर श्योर. देन व्हाट यू थिंक कि क्या लेना चाहिए, सर डेंटल मैंने पल्स डेंटल पल्स से ही करी है, वाधवान? डेंटल पल्स एंड पास्ट पेपर्स और टेस्ट सीरीज फॉर श्योर, तीन चीजें ही. मतलब मैंने ना कभी ज्यादा रिसोर्सेज, मतलब बुक्स वाइज मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज मैंने कभी रखे ही नहीं कि मैं ये भी कर लूं, ये वाली बुक भी उठा लूं, नेवर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, श्रेय किसको देना चाहेंगे आप सक्सेस का? एक तो खुद को होता है कि हाँ आपने मेहनत की है, दैट्स व्हाई। आई फील मेरी ग्रैंड मदर है, मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ. मैं बचपन से उन्होंने ही मुझे मतलब बड़ा किया, हमेशा से मतलब उन्हीं के साथ बीता है मेरा सारा चाइल्डहुड, मेरी लाइफ. तो आई फील कि वो मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन रही है हमेशा से. मतलब उन्होंने हमेशा मेरे को पुश किया है कि कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, क्योंकि बहुत
मतलब आई फील कि बहुत बच्चे बीडीएस में आते हैं तो उन्हें एक वो रिग्रेट रहता है कि यार शायद थोड़ा पढ़ लिए होते तो एमबीबीएस हो जाती, लेकिन फिर ग्रेजुअली मेरे जैसे बच्चे होते हैं जिन्हें प्रोफेशन से काफी लाइकिंग, काफी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और फिर उन्हें लगता है कि यार एक पॉइंट तक चलो जैसे मर्जी हुआ, अब लेट्स टेक हमारी करियर का स्टेयरिंग व्हील हमारे हाथ में. तो आई फील वो उन बच्चों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज है. तो आई फील मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक थी कि मैं बीडीएस मैंने ली थी बिल्कुल क्लूलेस होके, बट देन इवेंचुअली मुझे बहुत पसंद आ गया प्रोफेशन. तो आई फील वो चीज एग्जैक्टली होता ही है ना, ये सबके है साथ है, चाहे वो मैं हूँ, आप हों, या कोई एब्सोल्युटली भी हो, ठीक है, सबके साथ सेम चीजें होती हैं कि उनको एमबीबीएस नहीं मिला होता तब ही वो एब्सोल्युटली बीडीएस लेते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में ये था कि दो तीन बच्चे ऐसे थे जिनको मिल रहा था एमबीबीएस बट उनको चाहिए था बीडीएस, तो वो बहुत मतलब अनरिलेटेडिस्टिक बात हो जाती है, वो बहुत इस टाइप के बच्चे बहुत कम मिलेंगे आपको, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाते हैं एक दो, मौलाना आजाद में मिल जाएंगे आपको, जामिया में मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं, 1 और 2। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जिनको नहीं मिला एमबीबीएस, तो हमने बीडीएस ले लिया, चलो ठीक है, अब नहीं मिल रहा तो फिर यही ले लो, ठीक है। बट मैंने जो रियलाइज किया वो ये किया कि वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट कि एमबीबीएस है। ये आपने फॉर रियलाइजेशन श्योर. 5 साल में कर लिया होगा। जो बच्चे अभी भी ज्वाइन किए ना फर्स्ट ईयर में, जो हमें देख रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, वो बिल्कुल इस बात को रियलाइज करेंगे 5 साल बाद। क्योंकि मैंने एक चीज, मैं किसी मतलब एक काफी फेमस टीचर है, नाम नहीं लेना चाहता, वो आईएएस की प्रिपरेशन करवाते हैं यूट्यूब पे, मतलब उनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि सेम कंडीशन होती है जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो, सबका एक ही चॉइस होता है जब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, कि उनको आईएएस ही बिल्कुल बनना है, आईपीएस तो कोई सोचता ही नहीं है। इवन अगर आप उनसे पूछ लोगे कि आपका और क्या क्या सर्विसेस है, तो टोटल 21 सर्विस आती है यूपीएससी में, बट उस 21 का नाम तक नहीं पता होता उनको। उनका बस जो स्टार्ट करते हैं तो उनको बस एक ही चीज पता होता है, आईएएस बनना है, आईपीएस, आईएफएस, इसके आगे तो किसी को पता ही नहीं होता और एब्सोल्युटली कोई सोचता ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर पूरी कंट्री को चलाना है तो एक आईएएस नहीं चला पाएगा। आईपीएस की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, आईपीएस, आईएफएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन रेलवे सर्विस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आईआरएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सेम थिंग ना हमारे मेडिकल साइड में भी है कि ठीक है, अगर आपका स्टार्ट हो जाता है, सपोज करो कि मतलब कि आपके दांतों में दर्द स्टार्ट हो गया एंड यू आर द वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन दिस वर्ल्ड, मैंने आपका वर्ल्ड रैंकिंग 1 है कार्डियो में, तो क्या कर लोगे, आपको जाना तो डेंटिस्ट के पास ही होगा ना। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? एब्सोल्युटली या फिर जो न्यूरो है, जो न्यूरो सर्जन है, उनको कार्डियो प्रॉब्लम हुआ तो खुद से ट्रीट नहीं कर सकते, खुद सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, दे हैव टू गो फॉर स्पेशलिस्ट। सेम थिंग हमें लगता है डेंटिस्ट्री के साथ है, ये एक स्पेशल एब्सोल्युटली ब्रांच है, और ये चीज फील नहीं लेते हैं बच्चे, वो ये सोचते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत हार गया, अब बीडीएस मिल गया मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसा सबकी फीलिंग है, ऐसा नहीं है नहीं. मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, सबकी सेम फीलिंग है, ठीक है। बट एक टाइम के बाद ये समझ में आ जाता है चीजें कि ऐसा कुछ नहीं था, वो था इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल डिपेंड अपॉन यू ओनली, कि आप कितना अपने आप को अच्छा कर पाए हो अपने डिपार्टमेंट में। अगर आपने एमबीबीएस भी कर लिया है एंड यू आर नॉट गुड इनफ टू ट्रीट अ पेशेंट, तो कोई मतलब एब्सोल्युटली नहीं उस जर्नी का। एंड आई फील कि एक पॉइंट पे आके इफ यू नो कि ठीक है यहाँ तक जो भी हुआ दैट वाज डिफरेंट फैक्टर्स, कई लोगों के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स, तुम्हारी हेल्थ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कई लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, लेकिन आई फील कि एक पॉइंट पे आके जब तुमने डिसाइड कर लिया ना कि यार यहाँ से मेरा करियर कहाँ जाएगा वो मेरे हाथ में है, वो मैंने डिसाइड करना है, उसके बाद देर इज नो टर्निंग बैक. वो पॉइंट आने के बाद आई थिंक अगर तुम उस रियलाइजेशन तक पहुंच गए हो देन हाफ द बैटल इज वन फॉर श्योर. आई फील कि वो चीज हो जाती है, हाफ द बैटल इज वन आफ्टर दैट. ओके, थैंक यू सो मच, एनी थैंक यू नॉट टू एनी वन। ऑल गुड, बस आई थिंक सर ने मेरा इंस्टाग्राम शायद मेंशन किया होगा, सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स एनी हेल्प दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, एंड जस्ट स्टडी हार्ड यार. सब इट्स आई मीन इफ यू वर्क हार्ड इट्स नॉट इम्पॉसिबल, कोई भी कर सकता है, बस एक मोटिवेशन, एक रियलाइजेशन की जरूरत है फॉर श्योर. थैंक यू मैम, फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी मौलाना आजाद थैंक और तो यू सर, थैंक यू. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।